हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में लिजा सीरीज की दूसरी कॉमिक्स छिपकली, जो कि लिजा का अगला भाग है। लिजा में आपने पढ़ा कि प्रोफेसर भास्कर अपने असिस्टेंट प्रकाश भूतिया के साथ एक प्रयोग में कार्यरत होते हैं। पेशेवर हत्यारा रंगा वहां पहुंचकर दोनों पर प्राणलेवा हमला करता है, जिससे हुए परमाणु विस्फोट के कारण वहां रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। उधर प्रोफेसर की बेटी श्रिया भास्कर जूडो कुंग फू कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण कप जीतकर जब यह खुशखबरी अपने पिता को देने उसकी लैब में पहुंचती है, तो उसकी मुठभेड़ होती है हत्यारे रंगा से। उधर रंगा पर भी प्राणघातक हमला होता है। यह हमला करता है CIA का एक खतरनाक एजेंट, जो भास्कर की हत्या को नियुक्त किया गया था। और तब एकाएक रंगा का रूप परिवर्तित होता है और वह बन जाता है कॉकरोच। किंतु इंस्पेक्टर काले अपनी बुद्धिमत्ता से जब उस तक पहुंचता है तो उसकी हो जाती है हत्या। इधर कुछ बदमाश एक दंपति को लूटने की चेष्टा करते हैं और वहां पहुंच जाती है एक रहस्यमय लकाबपोश, जो अपनी जबरदस्त चुस्ती फुर्ती और शक्ति से बदमाशों को दिन में तारे दिखा देती है। लोग दंग रह जाते हैं उसे देखकर। उफ, छिपकली है क्या ये? हाँ, मैं हूं लिजा। जारी थी लिजा और बिल्ला में जंग, जिस पर चक्कू भी ना चले, जिस पर गोली भी ना चले, उस पर सोडा वाटर की बोतल तो चले ही चले। ताक खन, सोडा वाटर भी नहीं चली। आ हाय, मार डाला। कहाँ फंस गया रे तू बिल्ला? चक्कू ना चला, गोली ना चली, सोडा वाटर की बोतल ना चली, अब मैं तो चलूं? तू किधर चला बिल्ला? अगर तू बचकर चला गया तो कल फिर किसी मासूम व निर्दोष की जान खतरे में पड़ेगी। तब ना उठ सका बिल्ला। इसी पल कई हाथों ने थाम लिया बिल्ला को। इस एरिया से बहुत दिनों से तेरी खूनी हरकतों की सूचनाएं मिल रही थी। अरे धीरे, उधर की हड्डी टूटी हुई है। उन चुस्त चौकस आंखों को और चौड़ा करती हुई, अरे सॉरी, और तेजी से सरसराती चली गई लीजा। कौन है ये लीजा? वह दृश्य देखते हुए अंतरिक्ष में नाचने लगी थी उसकी खोपड़ी। ये दीवार पर रेंगती हुई कैसे नीचे जा रही है? मेरा उद्देश्य बिल्ला जैसे शैतानों और हत्यारों को उनकी खूनी हरकतों का दंड दिलवाने में कानून की मदद करना है। और मेरा उद्देश्य है दौलत, जिसे पाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब अत्यंत ठंडे ध्रुवीय प्रदेश से लेकर अत्यंत गर्म प्रदेशों तक में पाया जाने वाला आर्थोपोडा श्रेणी का यह नन्ना प्राणी कॉकरोच कहीं भी हो सकता है। कॉकरोच क्या हुआ? कॉकरोच से डर गई? मैं अभी इस गंदे प्राणी का कचूमर निकाल देता हूं। ये औरतें भी बस औरतें ही हैं। और मैं समझा कि बैंक में डकैती पड़ रही है। बैंक में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के होश उड़ गए। चेहरे फक, जिन पर खिंच गया था मौत व दहशत का सन्नाटा। हा, 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 हा। छोटा सा कॉकरोच, कॉकरोच माना मैं बदल गया? उफ, यह है क्या भला? घबराहट में दगी गोली कॉकरोच की जिस्म में रगड़ खाती हुई निकल गई। गोली कैसे चल गई? ओह, कॉकरोच के जिस्म से बहने लगा रक्त, सफेद रक्त, किंतु कुछ पल के लिए। खनाक, उसके जिस्म की जबरदस्त प्रतिरोधक शक्ति शीघ्र ही बढ़ती चली गई। उसका जख्म, मेरा जख्म तो भर गया, लेकिन तेरा ये जख्म तुझे लाश में ही बदल कर मानेगा। और फिर लूट की रकम के साथ कॉकरोच समा गया उस कार में। बैंक डकैती, वो भी चोरी की कार में, वाह। एक झटके के साथ आगे बढ़ी कार और ठीक इसी पल बम्पर में आ फंसे दो हाथ। लेकिन ड्राइवर की चुस्प निगाहों ने बैंक मिरर में तुरंत ताड़ लिया था उस हरकत को। ओह, ये कौन आ पहुंचा मरने? मैं लिजा हूं लिजा। तेरी जानकारी मुझे उसी वक्त हो गई थी जब मैं स्पोर्ट्स सेंटर में अपने लिए नान चाकू खरीद रही थी और तू बढ़ रहा था अपनी कार की तरफ। उफ, ये तो छोड़ ही नहीं रही। अब मुझे फौरन अपना रूप परिवर्तित करना है। और उस स्पीड ब्रेकर पर कार के बम्पर को थामे ना रह सकी लिजा। उफ, द्रुत वेग के साथ सामने आ गया वो ट्रक। ओए हट जा, मैं पीती हुई है। और बचने के लिए उसके पास था केवल एक क्षण। पीती हुई मैंने मैंने पी हुई है। उस एक क्षण के हजारवें हिस्से में ही झुकता चला गया लिज्जा का जिस्म। सुश, फिर कॉकरोच की कार वाली दिशा की ओर लपक पड़ी लिज्जा। वह विचित्र बैंक लुटेरा क्या मेरे हाथ लग सकेगा? लुटेरा तो नहीं, पर सड़क के किनारे लुढ़की पड़ी लुटेरे की कार जरूर मिल गई उसे। लुटेरे ने इस कार को जानबूझकर यहां क्षतिग्रस्त किया लगता है। पाँव में स्केट्स की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। कार की सीट में फंसा कागज का वह पुर्जा लिजा की तीक्ष्ण आंखों में आने से ना बच सका था।
जिसे पढ़ते हुए लिजा की आंखों में तीव्र चमक उभर आई थी। ओह, अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे लिए जानकारी। जिम और स्पोर्ट्स सेंटर के वार्षिक सदस्यता शुल्क प्राप्ति के काउंटर पर लगी थी भीड़। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त डिमांड थी उस इकलौते स्पोर्ट्स सेंटर की। कारण, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बिलियर्ड्स और कैरम जैसे कई विश्व प्रसिद्ध खेलों के अलावा वहाँ बॉडी बिल्डिंग भी सिखाई जाती थी। और वह समय था शायद 5 बजे का। हाँ यार, हम लोग हर वक्त नोट गिनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी घर जाने के लिए बस का किराया भी उधार मांगना पड़ता है। राणे, जल्दी कर, गड्डियाँ गिनकर कैश बॉक्स में रख और कर उसे सील। सुबह से नोट गिनते गिनते उंगलियाँ टूटने लगी हैं। मगर अभी तक ये गार्ड क्यों नहीं आया कैश ले जाने के लिए? उसके आने में भी 20 मिनट बाकी हैं। अचानक घृणा से सुकड़ गए राणे की आँखें। छी, गंदा कॉकरोच बिल्लियाँ टेबल पर। जैसे तूफान सा आ गया। उफ, ये क्या? कॉकरोच की ठोकरें खाकर दोनों फुटबॉल के समान पीछे की दीवार से जा टकराए। आह, कॉकरोच को गंदा कहता है? उफ। कैश बॉक्स पर अपना कब्जा किया कॉकरोच ने। स्पोर्ट्स सेंटर के मेंबर्स तो तुमने बना लिए, पर अब ये सारा कैश जमा होगा कॉकरोच के खजाने में। हाँ, सॉरी। क्लाक, वाह, लकड़ी के दरवाजे को कागज की तरह फोड़ कर आने वाला। अरे, ये तो वही है। हाँ, लिजा है मेरा नाम, याद कर ले इस नाम को। कॉकरोच पर वार किया तूने छोकरे, जुर्म के हर कीड़े पर करूंगी मैं वार। जुप, कॉकरोच तुझे तेरी गुस्ताखी का एक भयानक सबक देगा लिजा। हाँ, मगर तब जब मुझे छू पाएगा। तुझे दीवार पर ही क्यों ना चिपका दूं। भाग, बिलियर्ड स्टिक का इस्तेमाल कभी कभी बदल भी जाता है। शोर शराबे व मार धाड़ के स्वरों से वहां पहुंचे स्पोर्ट्स सेंटर के सदस्य। ये शोर कैसा आ रहा है? कैश कलेक्शन रूम की ओर से कोई गड़बड़ है। कैश के बिन का दरवाजा भी टूटा पड़ा है और भीतर प्रवेश के साथ ही स्तब्ध रह गए सभी। नो, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि ठीक इसी वक्त खुले थे कॉकरोच विंग्स यानी पंख। कॉकरोच की शक्तियों से अभी तो नावाकिफ है लिजा, लेकिन लिजा तक ना पहुंच पाया कॉकरोच। मारो, मारो शैतान को। उफ, इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है कॉकरोच, मुझे ये जगह तुरंत छोड़नी चाहिए। और कैश बॉक्स के साथ लिजा कैश बॉक्स जिस पर है केवल कॉकरोच का हक। कॉकरोच विंग की मदद से उड़ते कॉकरोच ने दबोच लिया लिजा को। ये कैश बॉक्स और तेरी जान लिए बिना तो मैं यहां से नहीं जाने वाला लिजा। इसी पल जूते की हील की चोट से तिलमिला उठा कॉकरोच। ढीली हुई पकड़ और फुर्ती जैसे उसकी रग रग में बसी थी। थम, छड़ेक भी अवसर नहीं चूक रही थी वो। उसके वारों की सटीकता देखकर कोई भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेता था। चमत्कारिक शक्ति तो है तुझमें कॉकरोच, पर तेरी ताकत का सारा घमंड चूर कर दूंगी। सटाक, और तुझे मारूंगी नहीं, क्योंकि तुझे मार दिया तो किसी को दिया वचन टूट जाएगा। नहीं कॉकरोच, मैं आज तो क्या कभी हत्या नहीं करूंगी। इसी पर कॉकरोच मानव वो शैतान तीव्र गति के साथ परिवर्तित हो गया नन्हे कॉकरोच में। और इस बार उसका ये रूप देखकर हतप्रभ रह गई थी लिजा भी। उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति जड़ सा खड़ा रह गया। कॉकरोच में बदल गया, यह है क्या? और फिर बला किसी तेजी के साथ उसने पुनः रूप परिवर्तित करके लिजा पर किया वार। उफ, खटाक, और इस बार लाख सावधानियों के बावजूद फंस गई लिजा। उफ, इसी पल आती दिखाई पड़ी पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर काले के नेतृत्व में। आज खुल जाएगा रहस्य उस मानव कॉकरोच का भी और लिजा का भी। लेकिन अभी अनजान था इंस्पेक्टर काले कॉकरोच की शक्तियों से। लिजा, तुझसे अपना हिसाब चुकता करने के लिए फिर मिलूंगा। उधर अपने ब्लेड से पहने नाखूनों की मदद से जाल को चीरने के पश्चात लिजा भी चढ़ती चली गई बाउंड्री वॉल पर। इधर शहर में फैला आतंक। आज की ताजा खबर, कोनी कॉकरोच लुटेरा, जो कॉकरोच भी बन जाता है कॉकरोच मानव भी। आज की ताजा खबर, कॉकरोच लुटेरा, चीख निकल गई युसुफ्टी के मुंह से। आ, कॉकरोच, हेलो पुलिस स्टेशन, कॉकरोच, मेरे घर में कॉकरोच, जल्दी आ जाइए। ओ, घबराने की कोई बात नहीं, ये ऑर्डिनरी कॉकरोच है, आप अपने पूरे घर में कीजिए बेगॉन स्प्रे। दुकानों में एक आए कि बेगॉन स्प्रे फिनिट तथा हेक्सिट की खरीद के लिए भीड़ लग गई। जग्गी जनरल स्टोर, बाबरपुर रोड, रोहतास नगर। एक देना, घर से कॉकरोचों को मार भगाने के लिए दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ली है। एक आए कि मुसीबत टूट पड़ी थी कॉकरोचों पर, कीटनाशकों के हमलों से घबराकर घरों से पलायन करने लगे कॉकरोच।
इस समय शहर में कॉकरोच शब्द मौत का पर्याय बन गया था और हर कोई जुटा था कॉकरोचों के अंत के लिए। और उधर गटर के जरा से हटे हुए उस ढक्कन से झांक रहा था वो कॉकरोच। गुपचुप प्रवेश कर गया कॉकरोच से सेठामल, पता नहीं कौन से मल है, चांदीराम ज्वेलर्स के शोरूम में। हाँ, ये मेरी पड़ोसन के सेट से अच्छा व भारी है, हीरो का यही नेकलेस पैक कर दीजिए। तो और तभी हवा में झरझर करता वह नन्ना सा कॉकरोच, ये तो वही कॉकरोच लगता है जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। अरे ये क्या, एक बिना रुका तब शोरूम के अंदर कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आ गया, मारो क्या होगा पर पिले जान तो बचाऊं। चलो अच्छा हुआ वह सब भाग गए, मेरे यहाँ तो खून खराब होने से बच गया। इधर पुलिस स्टेशन की हालत ये थी। हेलो, कौन? हवलदार झाड़ू सिंह, कॉकरोच मारी दुकान में आ गया है, जल्दी है आओ, मैं लुट गया। उफ, सुबह से सैकड़ों फोन आ चुके हैं, फिनेट छिड़क ले भैया, फिनेट खटाक। लूट के माल के साथ गटर में समा गया कॉकरोच। मारो बैग कॉकरोच ने से छीन ला, मैं तुझे एक हीरे की अंगूठी दूंगा। सेठ जी आप खुद छीन लाओ, मैं तुम्हें दो अंगूठियाँ दूंगा। सब खड़े तमाशा देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही मुझे रोकने की। फॉरेंसिक लैब से होकर आ रहा था इंस्पेक्टर काले। कार की सीट पर मृत पड़े मिले उस रेडियो एक्टिव सुनहरी कॉकरोच के मुंह पर मानव रक्त के कण मिले हैं। और तभी चौक पड़ा वह, ये भीड़ कैसी लगी है, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। इधर आगे बढ़ते कॉकरोच के मार्ग में पड़ा व्यवधान, धाक आ! कहर भरपाती खड़ी थी लिजा कॉकरोच, तेरा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि तुझसे मेरा हिसाब पिछली बार चुकता नहीं हो सका था। इस बार गुलेल से उसने दागे हुए चाकू, क्लोरोफॉर्म युक्त चाकू तुझे पल भर में बेहोश कर देंगे कॉकरोच। पर उन चाकुओं को कॉकरोच ने रोका उस ढाल पर, हीरो के बैग की ढाल, वाह। इसी पल झरझर की ध्वनि के साथ खुले कॉकरोच विंग्स। लिजा, मुझे तेरे यहाँ होने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि तुझे तेरा भावी प्लान उस कार के अंदर से उस कागज के पुर्जे के रूप में मिल गया है। और तुझसे हिसाब करने के लिए मैंने सिर्फ कहा ही नहीं था, अब हिसाब बराबर करूंगा भी। लिजा, उफ। लिजा के हाथ में आ गए पत्थर को कॉकरोच के सिर पर दे मारा, ताक, उफ। उसी अवस्था में स्प्रिंग की मानने उछली लिजा, कॉकरोच शैतान, आज अगर तू कहीं जाएगा तो वो जगह होगी शहर की जेल। खौफनाक रूप लिए खड़ी हो गई लिजा, खट खट साय साय, उफ, खट खच। लिजा के फेंके उन दोनों चाकुओं को अतिशीघ्र कॉकरोच ने बाहर निकाल फेंका और उसी पल अपने एक और खौफनाक रूप में आई लिजा, खट खट याई। कॉकरोच के जिस्म की नसों को चीर कर बाहर आ गया सफेद खून। इस बार लिजा के वार को असफल किया कॉकरोच ने। तू निसंदेह बहुत फुर्तीली है लिजा, पर अब तेरी ये टांग तो कहीं समझ, फिर मात खा गया कॉकरोच, था। इसके साथ ही बुरी तरह कुपित तो उठा कॉकरोच और अगले ही पल कॉकरोच के शक्ति वार से खुद को ना बचा सकी लिजा। उफ, कॉकरोच विंग्स पर पुनः उड़ा कॉकरोच, उफ, इसने पूरी तरह से जकड़ लिया मुझे। उस उड़ान ने कॉकरोच को पहुंचाया उस ट्रक की ओर। उफ, काश मैं पक्षियों के समान ही आकाश में अधिक ऊंचाई पर भी उड़ पाता, किंतु मेरी उड़ान सीमित है। ओह, इसमें तो कांच लगा है। इस समय मैं पूरी तरह से बेबस नहीं हूं, अभी मेरा एक शस्त्र बाकी है, मेरी लंबी चिपचिपी शिकारी जिवा। ओह, ये चाल चली अब इसने, कॉकरोच के गले में फांसी के फंदे के समान लिपट गई जिवा। यहीं बस नहीं किया उसने, कॉकरोच की तिलमिलाट का भरपूर लाभ उठाती हुई अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित के पीछे को लड़क गई लिजा। इस कैद से छूटने के लिए इस जगह से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। अपनी जीवा को भी वापस खींच लिया उसने। लिजा को लपेटे कॉकरोच की कई भुजाओं में धस गए न जाने कितने कांच के टुकड़े। अपनी भुजाओं को तुरंत वापस खींच लिया कॉकरोच ने और इस पर लिजा के भी जिस्म में से कई खून की धाराएं फूट पड़ी। किंतु इस समय जख्मों की परवाह ना करके उठ खड़ी हुई लिजा, और अब मुझे अवसर पाते इसके पंखों को बेकार करना होगा। ओए ओए, ये की हो रहा है मेरे ट्रक विच? ओए, मैं ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली, पर बोतल विच तो अभी आएगी है। ओए, कांच पर सचमुच फाइट हो रही है, शूटिंग हीरो अजय देवगन है या गोविंदा? फाइट जो जबरदस्त रूप लेती जा रही थी कांच के उस फर्श पर। उफ, आ, पीड़ा की जबरदस्त लहर दौड़ गई लिजा के जिस्म में, किंतु इस समय हार मान जाने का अर्थ था लिजा की मौत। आ नहीं, भले ही मेरे जिस्म का सारा रक्त बह जाए, लेकिन आज तो वही होगा जो लिजा चाहेगी। ओए बल्ले ओए, की डायलॉग बोलिया है, कुड़ी श्रीदेवी तो छुट्टी करके रहेगी, खुशी को खुश की ताई बनता सिंह, एक बूट और चालू। लिजा ने दबोच लिया कॉकरोच का पंख,
ये मुझ पर हावी होती जा रही है। उफ। और काक, जबरदस्त शक्ति, जबरदस्त पंच, जबरदस्त वार था वह लिजा का था। और सॉरी, हवा में ही सरसरा गई लिजा भी, और इधर पीछे से आते टक से टकरा कर पुनः हवा में उछला कॉकरोच। बड़ी ही जीवट जान थी कॉकरोच, उठकर खड़ा भी ना हुआ कॉकरोच की। उफ। लिजा का भरपूर साथ दे रहे थे रस्सियां बटने वाले वे लोग भी। ये वही कॉकरोच है साथियों, जिसने कुछ दिनों से नगर में अपना आतंक फैला रखा है, इसे जाने नहीं देना है। और अब विवश हो गया कॉकरोच, मारो मारो इसे। क्षण भर में सभी फंदे ढीले पड़ गए, निकल गया उन फंदों में से कॉकरोच कीड़ा बनकर। लिजा ने छलावे की सी फुर्ती दिखाई, और कॉकरोच प्रत्येक प्राणी की कोई कमजोरी होती है, और तेरी कमजोरी है तेरा उल्टा पड़ा शरीर। और तभी वह पांव उठ गया उसे कुचलने को। क्षण भर में कॉकरोच के स्थान पर दिखाई पड़ा वो जिस्म। नोश डाली इंस्पेक्टर काले ने उस चेहरे पर लगी दाढ़ी मूछ। प्रोफेसर भास्कर के लैब से मिले रेडियो एक्टिव कॉकरोच की मेडिकल रिपोर्ट आते ही मैं समझ गया था कि रंगा, कि तुम जीवित हो। अपनी हत्या का नाटक तूने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया, क्यों? हाँ इंस्पेक्टर, वह मेरा एक साथी था जिसे मैंने बलि का बकरा बनाया। ओह, मगर लिजा ने तुम्हें बेबस कर दिया। वो देखो, मैंने तुम्हारे लिए वह विशेष पिंजरा मंगवाया है ताकि इसमें तुम किसी भी रूप में फरार ना हो सको। इस समय मैं बेबस हूँ इंस्पेक्टर साहब, साथ ही घायल भी, लेकिन तुम मुझे जेल में अधिक समय तक ना रख पाओगे। पर लिजा कहाँ गई? पर लिजा वहाँ नहीं थी। इस विशेष स्प्रे से मेरे जख्म शीघ्र ही भर जाएंगे। उसी शाम, आज की ताजा खबर, शहर में आतंक मचाने वाला खूंखार, हत्यारा और डकैत कॉकरोच गिरफ्तार, और उसे गिरफ्तार करने वाली लिजा का ऐलान कि अपराध और अपराधियों का सफाया कर देगी। कॉकरोच को आज शाम जेल पहुंचाकर मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। डकैत कॉकरोच गिरफ्तार, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लिजा सीरीज की अगली कॉमिक्स मैडम किरली में। तब तक के लिए धन्यवाद।